अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। और हमारे हो गए हैं 400K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू आप सबका। इतनी बड़ी फैमिली होगी, माशाल्लाह, यकीन नहीं आता और बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच, आप सब इतना साथ देते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो चूंकि हमारी 400K सब्सक्राइबर्स हो गए, तो हमने कहा कुछ स्पेशल करें, बजाय इसके कि जस्ट केक काटूं मैं। अब माइंड में तो यही आ रहा था कि केक काटूं और खा लें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये दो जो बंदे हैं, ये दो जिनके खिलाती रही और ये बैठ के बस रिव्यूज देते हैं, तो मैं इनको जो है वो क्यों ना काम पे लगाऊं। तो जी मैं बैठ के तो रिव्यूज दूंगी और मैं भी बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज दूंगी कैसा बना है। मैं जल्दी से इंग्रेडिएंट्स निकाल के रेडी कर दी। अगर मैंने इनको इंग्रेडिएंट्स भी निकालने पे लगा दिया ना, तो आधा दिन लग जाएगा, क्योंकि पानी गर्म कर रहा हूँ मैं, राइस कुकर भी ऑन हो जाएगा, ओवन भी हो जाएगा, और इसको क्या कहते हैं कढ़ाई कढ़ाई विदाउट ऑयल, एयर फ्रायर, एयर फ्रायर में भी ऑन कर लूंगा। बस आप यहीं पे आपके फुल मार्क्स आ गए हैं, हम सारे रेडी हो जाएंगे बच्चों। लेकिन पिज्जा सिर्फ ओवन में बनना, ना राइस कुकर में बनना, ना एयर फ्रायर में बनना, और ना ही उस केटल में बनना है। मैं सारी चीजें रेडी कर रहा हूँ। ओके, तुझे रुला दिया हो, रोएंगे तो आप आज बच्चों देखें ये मुझे जो मुझे रुला के पूछे। देखें ये मैंने पिज्जा के बनाने कह दिए, तुझे रुला दिया, तुझे रुला दिया हो। काम के लिए स्पेशली बैग में से जैकेट निकालने गए थे, वरना मैं कुछ सर्दी क्यों लग रही है। देखिए तो स्पेशली गए हैं और स्टोर में से कौन आ गया। आई एम अ मिक्सिंग बोल है। पहले सबसे प्रोसेस पे नहीं जाना, पहले इंग्रेडिएंट्स पे जाना है शदाद। ओके क्या इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो गए हैं? ये करना है, फिर ये करना है। हाँ बस ये करना, फिर असेंबली तो हो ही जाएगी। तो ये देखें, जैसे पिज्जा डो की का प्रोसेस ये है, इंग्रेडिएंट्स मैंने दे दिए हैं, प्रोसेस ये फॉलो कर लें, फिर बाद में मिंस के प्रोसेस पे आना। ओके ठीक है, चलें। ओके चलो जी। वाह, सो फार सो गुड। अच्छा बेटा दूध देती हूँ, हाँ हेल्प कराओ इतनी। मैं मिशारी के लिए दूध बना लूँ जल्दी से उतनी देर ना। ओके बेबी, ओके श्योर, कम हियर। इधर हमें भी तो नजारे कराएं जरा, चेक करें। आज जरा ऐसी लाइट ऑन कर देते हैं, छोड़ो। चलो उसके बाद से ये है हाफ, अब इसे डाले। क्या डाले अभी आप लोगों ने? 1.5 टीस्पून। अच्छा ठीक हो गया। शिदात कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग अ मास्टर शेफ ऑलरेडी। नहीं मजाक के अलावा मजा आ रहा है या स्ट्रेसफुल है? इट इज गुड, स्ट्रेसफुल है। सिर्फ भूनने वाला जो पार्ट है ना, हाँ हाँ, मैं आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट दैट, द रेस्ट इज ओके। भूनने वाला मुझे आता है, मेरे मम्मा के साथ जो है वो आटा किया हुआ है मैंने। हाँ जी, बेकिंग पाउडर टीस्पून। सारी जिंदगी मेहनत करें, इस तरह नहीं खुलेगा। नहीं नहीं, इससे 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 करें, स्पून से गिरेगी तेरी हो जाएगी, इससे करें। वाह, हाँ भी मुझे लग रहा है कि मम्मा है किचन में। नहीं रॉन्ग, टिप से करो, उसी की टिप से कर लो। ओए नहीं, इसकी टिप से, फ्रंट से बेटा। चलो ये, वाह यार आप लोग तो प्रो हैं। प्रो। 1/4 टीस्पून, 1/2, 1 नहीं इसमें नहीं है, इसमें चाहिए, इसमें 1/4 टीस्पून नहीं है। उसके बाद ऑयल 5 टेबलस्पून्स। अच्छा आपने प्रोसीजर पढ़ा है? पहले प्रोसीजर पढ़े सर जी,
किधर है प्रोसीजर? टीवी पे आया था प्रोसीजर वैसे, नॉस किचन रूटीन के चैनल। आई एम ए मिक्सिंग बोल, ऐड ऑल पर्पस फ्लावर, यीस्ट, सॉल्ट, शुगर, बेकिंग पाउडर, ओके मिक्स, ओके मिक्स। हां जी, एक मिनट ठहरो, था कि मैं यहां से हटा देती हूं क्योंकि ना मुझे एक दो एक्स्ट्रा भी बनानी है ताकि हम सिर्फ पिज्जा ही खाएं आज मजे से। इनके लिए हाँ, हैंड्स वॉश करो। गुड बाबा गुड, ये जरूरी है। मिक्स चाट मसाला तैयार हो रहा है। हाँ जी, चाट मसाला। बेटा मैंने दूसरी तरह मिक्स करना था उसको। वो क्या मेथड था फिर? मैंने वो कंक्रीट मिक्स रखा हुआ था इसी तरह से। हमारी अम्मी ऐसे घूमती थी, पोत उरे आ, ऐसे नहीं हो रहा पोत उरे आ। हाँ जी ऐसे होता था, फिटे मुंह तेरा पानी ले आए थे। ऐसे होता था समझे, बच्चू सारा मुझे याद है। ऐसे 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 कुछ करती थी, फिर इसको ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करती होती थी, मुझे याद है अच्छी तरह। काश मैं भी इतने मजे लेके किचन में कुकिंग कर सकूं, है ना? वाकई। Add oil and mix thoroughly wala kar liye humne, add warm milk gradually and start mixing, the dough should have a very soft consistency. Isko doodh pilaunga pura jo hai taki hum acha feel kare. Ach theek hai, gradually. Wo aapki recipe pe doodh ja raha hai sara gir raha udhar paper pe. Samosa wali jo hai na wo ho gayi hai recipe. Us samosa ki plato wali kya hoti ho jaye, samosa kaise lagta hai, samosa bhi dough ban gayi. Yes. मुझे कसम से इतना मजा आ गया, ग्रेजुअली जो दूध डल रहा है उसमें। ओह यस, ये देखा, ये बन रही है डो। प्लेस द डो इन द बोल, कवर एंड अलाउ टू राइज अंटिल डबल इट्स साइज। हैं अच्छा, क्या अच्छा, इसमें और दूध डालें? अच्छा, सॉफ्ट डो चाहिए शहजाद, इससे तो आप थक जाएंगे। जो हम तंदूरों से जो लेकर आते हैं, हाँ हाँ, रोटियां वो इतनी ड्राई क्यों हो जाती हैं फौरन फौरन? इसलिए कि उसमें दूध नहीं जाता यार, डालते हुए लोग। और डालो, और डालो, और डालो। नहीं नहीं, डिपेंडिंग ऑन दी कंसिस्टेंसी। उस तरह ही बता रही हूँ। चलो ओके, कर ले कर ले, यही होगा और क्या है। ओ पीछे वो देखे, उसे अपने बाबा पे तरस आ रहा है। आपने मुझसे बहुत डलवा दिया गुड़िया। नहीं नहीं, मैंने सही डलवाया है, ज्यादा डलेगा तो मिक्सिंग होगी ना प्रॉपर। बहुत हार्ड है डो, मतलब एक दफा शहजाद किचन में आए हैं मेरी रेसिपी ट्राई करने तो उन्हें लग रहा है कि मैं उनकी रेसिपी खराब करना चाह रही हूँ। मतलब ट्रस्ट तो है ही नहीं, 1% भी, 1% भी। देखे आप लोगों ने इतना डलवा दिया। अच्छा जिस वक्त, नहीं अभी तो ये और भी डलना है। इस वक्त हो रही है मगरिब और शाम के जो है 7 बज रहे हैं, तो गुड़िया जो है मेरी हेल्प करा रही है कि मुझे इतनी देर हो गई है, तो फिर काम खराब ये है कि हमने लंच करना था तो इस डिनर का टाइम हो गया है मेरी वजह से जो है। मिडनाइट हो गई है। और ये आपको क्या नजर आ रहा है? जो लम्ब से भरी हुई डो मैंने लाइफ में नहीं देखी। ये देखें, ये डो इन्होंने तैयार की है, निकला था। वाह यार। तो अब मैं इसको फिक्स करने लगी हूँ डो को, और बस नहीं करना था क्योंकि जो मैदा था ना उसने ऑयल के साथ लम्स तो बना दिए थे। आपने कहा था ग्रेजुअली, ग्रेजुअली कहिए मतलब नहीं एक एक चम्मच। मैं तो लेडीज के लिए लिखती हूँ तो उन्हें पता होता है ना। तो हम तो मैन है, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है? अच्छा चले मैं एक मिनट मिक्स कर लू। क्या हुआ है इसके अंदर? बनाओ ना कीमा जो है। है क्यों? कीमा इसमें नहीं है, मिक्स करना होगा ना। पहले आपने प्याज चॉप करने, नहीं फिर आपने पका के कीमा डालना ऊपर। अच्छा पका के डालना, शायद उसके साथ में थोड़ा दो इंग्रेडिएंट्स ये पढ़ नहीं रहे हैं, और बस ये नहीं करना वो नहीं करना लगे। मैंने पढ़ी हुई। ओहो, आपको पता नहीं है इस चीज का ना, जिसने अपनी जो है वो, हाँ जी ये वो लिखी हुई है। हाँ जी, वो जो क्या कहते हैं उसको। कसम से मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि 7 to 8 मिनट्स आप डो बनाएंगे तो उसके बाद आपकी जो है ना वो हो जाएगी 400 grams। ओके हाँ ठीक है, ये काफी है। तो आपकी जो है ना वो हो जाएगी क्या कहते हैं, अय्याशी, एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन इन्होंने मेरे से ही एक्सरसाइज करा दी है। मुझे जो है ना 15-20 मिनट में जाके ये डो रेडी होगी, और आज मुझे जो है ना डो मेकिंग मशीन
यार पापा को ना बहुत नींद आ रही है, तो पापा को जाना पड़ेगा। अच्छा इसको पतीली में डालूं? पकाना है ना? यहाँ के हम सिकंदर हैं। हाँ जी बच्चू, सिकंदर चेक करें, ये देखें सिकंदर ने प्याज डाले हैं अंदर, ये कोई मसला नहीं है। तो वो तुम जल्दी टेंशन नहीं लेने का बाबा, टेंशन देने का अब वो अपने जला देना, ये आपको उसको हिलाता हिलाना पड़ेगा बार बार, क्योंकि आपने उसको सौते करना है। अच्छा कीमा बनाए देखते हैं कैसा बनाते हैं। जब तक ठक ठक की जाए साबित नहीं होता कि कुकिंग हो रही है। पाकिस्तानी किचन है, पता चलना चाहिए। ये चेक करें जी, ये जो सामान इन्होंने फैला के रखा हुआ है। ये आपने ये नहीं लिखा लो हीट है या मीडियम टू लो हीट है? क्या इसको जो है आप मीडियम हीट कर लें, मीडियम टू लो नहीं, मीडियम रख लें बस। अरे मीडियम पे रखूं और इसके बाद लो पे ले आऊं उसको? ये तो मुझे भी नहीं पता कि कौन सी हीट करनी चाहिए। बट यू सी द शेफ इन मी, ये अच्छा टर्न द फ्लेम ऑफ एंड ओ नो 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 मिंस कहां गया? हां ऐड द मिंस एंड मिक्स कर लिया, टर्न द फ्लेम ऑफ, बस हो गया काम। सारे सारे जो है लंप्स उसमें बने हुए हैं, आपने इसको लंपलेस कीमा बनाऊंगा जी। मिक्सिंग थोड़ी थोड़ी करते जाए क्योंकि जहाँ जहाँ कीमा व्हाइट होता है ना वहाँ वहाँ उसी तरह लंपी सा होता जाएगा। थोड़ा सा होता है, टाइमर भी ऑन करना होता है, वो आप ऑन कर लो। 20 minutes यहाँ पर करना है कॉम्पिटिशन की बड़ी कॉम्पिटिशन। दोनों साइड नहीं यूज करनी है, एक साइड यूज करनी है, क्योंकि मुझे कीमा टॉप से ब्राउन नहीं करना। नीचे ऊपर नीचे मैं एक दफा चेक कर लूँ, पता चले इन्होंने काम खराब किया हो। ओके ओके ये है 30 और ये करना है मैंने इसको। नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। हो आपने सारी डो की हवा निकाल दी है। ऐसे हो जाएगा इधर जो है। ओ शहजादी जितने डो, ये देखे इन्होंने क्या शहजाद बेड़ा गर्क हो गया सारी डो का। जी नहीं आपकी एक्टिंग जरा बता रही हूँ। इसको डिफ्लेट करें अच्छे से, आप ये दो हैंड वॉश करना भाई निशु को भी। बाबा आप निशु को हेल्प करेंगे? Sleeve, yeah, I don't have sleeve. You're a bit poor. Chalo. Aise rakhi, yun 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 karke press karna. No fighting, massage. Like this. Okay. What, mommy? You look like a professional. Finger wow, Mishu, you're doing a great job. बस एक बाबा है बीच में जो कुछ नहीं कर रहे, बाकी तो सारा मिशु तो हम ही कर रहे हैं। You just finished? Yes. Okay. Okay, मैं आप लोगों को ketchup देती हूँ, okay? Ketchup. Yeah. I like ketchup. I want to get my finger. Soft ketchup. Wow, आप लोगों ने अच्छी बना ली है। Hey. Gordon Ramsay is here. What are you doing? जल्दी. Ramsay. जल्दी. मैंने कर लिया है. Okay. Ramsay. जल्दी. Okay. चले जी. जल्दी. Mushrooms. It's not dal. It's chicken mince. It's keema. Keema, no, I don't want keema. No, I want keema. Keema, sahi nahi mila mujhe. When we made it, you loved it, Mishu. No, you can make it. Main keema nahi hai. No, kaise karna hai? It's good. You can eat it. I'll help you. Dalna tha pehle.
हो जाते हैं, इसके ऊपर डाल देंगे। हाँ इसके ऊपर डाल देंगे, इसके ऊपर डाल देते ताकि इधर उधर गिरे ना। Good chef always tastes his cheese. Shabash. But it's not necessary कि हर जगह जाए ना। I always wanted to do this. ऐसे. Always wanted to do this. बचपन से? हाँ वो ऐसे ही डालते हैं ना पिज्जा जब बेक करते हैं। Let's try this. Let's try again. मैं ले जाऊँ उसको? आपको बहुत अच्छा, आज मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। हाँ लेकिन फिर भी कुछ ना करके भी थकावट हो रही है ना। हाँ आप लोगों के साथ तो खड़ी रही हूँ, आपने तो इतने अरसे बाद इस तरह से हैवी ड्यूटी काम किया ना, मतलब यार आपने पैम्पर इतना किया है हमें जो ऑनेस्टली जो है। दूसरी चीज ये है कि मुझे नहीं पता था कि बेकिंग में जो है मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रख के भूल जाओ। हाँ। सारी दुनिया की सैर करके आके वापस आके फिर दोबारा शुरू हो जाए। तो मैं यही करती हूँ ना, जिस टाइम तक दो प्रूफ हो रही होती है मैं आके बैठती नहीं हूँ, मैं किचन के और काम निपटा लिए, कभी वेजीज कट करने, कभी कुछ समेटने, कभी बर्तन धोने, मैं वो काम करती हूँ। लेकिन हाँ एक चीज मैंने डिफरेंस नोट किया है, अभी खाने का तो हम आपको बाद में बताएंगे, एक ये नोट किया कि आप लोग बेकिंग कर रहे काम कर रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी बर्तन समेटती थी, काउंटर टॉप्स क्लीन कर रही थी और अभी थोड़े से बर्तन पड़े हुए, तो मुझे लिटरली लग रहा है कि लाइफ कितनी आसान हो कि अगर मैं भी काम कर रही हूँ और मैंने कोई हाउस हेल्प रखी हो। ओके जो सारे काम करते और मैं भी खाना बना के आराम से बैठ जाऊं। हाउस हेल्प रखी हो, हाउस हेल्प रखी हो और सीधा मुझे देखना शुरू हो गए। हाउस हेल्प रखी हो। क्या काम करने लगे? बस नीचे से ब्राउनिंग रह गई है डो की ना, इसको मैं नीचे ट्रांसफर करती हूँ और दूसरा जो है ना। साफ पता चल रहा है कि आपको सही भूख लगी हुई है। इतनी ज्यादा नहीं शदाद, हाँ ऐसे ऐसे बस 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 बहुत है बहुत है। ओ यार कुछ नहीं है शदाद, बहुत है यार, और डाल लेंगे साथ शेर बन शेर। देख के टच ना कर लेना उसको ऐसे। चलिए गुड। ये देखें जी मम्मी का पिज्जा, आप देखें मिशो 1 मिनट प्लीज, मिशो 1 सेकंड, ये देखें मिशो 1 मिनट, ये देखो मिशो, देखो लुक, ओए 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 ते हामी मार्टो नाउ कट प्लेट आओ नो प्लेट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मिशो, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा पिज्जा? ओए अभी तक स्ट्रिंग्स बन रही हैं, कैसा है? बहुत मजे का है, अभी मैं भी ट्राई करूंगा अपने बेटे का पिज्जा। फिर हाउ इज मिशूज पिज्जा? वेरी नाइस, सुपर यम्मी। वाह मिशू ये हाय आज तो मजा आ गया, पिज्जा आ रहा है जी। ये क्या हो रहा है? इतनी भूख लग रही है, आप हमारा टाइम वेस्ट करा रहे हैं। देखें तो कैट वॉक करता हुआ बहुत गर्म है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ, बटर चिली सॉस है। अच्छा ये देखें, 5 steps, नो चीटिंग प्लीज। ये देखें आप सबके लिए भी शहजाद की तरफ से, ये देख लीजिए। और तेहामी वाला तो आपने देख ही लिया था, तेहामी ने तो अटैक शुरू भी कर दिया है, तेहामी से ही थक के बैठ गया। तेहामी खाओ ना यार, ये बेबी इज ईटिंग। ओ हो हो हो, वाह। चलो जी बताएं कैसा बना है। तेहामी बहुत मजे का, अभी मैंने पहले अपने बेटे का ट्राई किया, बहुत मजे की डो बनाई है इल्ला ने, नहीं डो तो बाबा ने हाँ बनाई थी, हाँ ये वाली, लेकिन इसके ऊपर जो इसने नहीं ये वाली देते हमें के लिए नहीं आप बोलिए, लेकिन इसके ऊपर हमें जो फिलिंग लगाई है ना सारी इवनली डिस्ट्रीब्यूट की, इवन चीज भी पूरे पे फैला है, लेकिन बाबा का देखो मिस्टेक्स हुई है, चीज यहाँ नहीं आया हुआ है ना, तो मैं तेहामी को जो है वो 10 out of 10 देती हूँ। यस गुड जॉब। यस डू नो मशीन सॉरी डू नो।
स्पाइस बहुत मजे का बनाया शिजाद ने। टिश्यू दे दो बेटा। और वो जो कीमा का फ्लेवर है ना, अमेजिंग। मतलब वो बात ठीक है कि शिजाद बोल रहे थे कि रेसिपी तो फॉलो एग्जैक्टली की है, लेकिन मेजरमेंट जैसे मैंने पहले बोला था, मेजरमेंट जो है ना वो हर एक का अपना हाथ होता है, अपना अपना तरीका होता है। बहुत मजे का है शिजाद, उसकी फीलिंग जो है ना बहुत मजे की है। और मैं डो पे हैरान हूँ, तिहामी वाली आपकी डो लगी हुई है ना, तो जो आपने डो का हाल किया था मुझे लगा थोड़ी हार्ड हो जाएगी। डेंस बिल्कुल भी नहीं, डेंस नहीं है, लाइट अंधेरी है। डो एक्चुअली फूली है। और मजे की बात ये है कि फूली भी है और साथ में जो स्पाइस का मजा है ना, कमाल की स्पाइस है, बहुत मजे की। और तिहामी मेरे बेटे ने तो बहुत ही मजे की सारी फीलिंग लगाई है। ये बात है तिहामी की, आपका जो है ना पिज्जा, उसमें सारी फीलिंग मेरे मुंह में आ रही है। एंड मिशु का जो पिज्जा है, मिशु का तो सुपर यमी है, टू गुड, इतना यमी कि मैं सारे फिनिश कर दूं। गुड जॉब मिशु, यू मेड अ नाइस पिज्जा मामा, वर्थ द वेट, मजा आ गया। बाकी इट इज इंडीड अ सुपर रेसिपी मामा, मामा और बहुत इजी है बनाना। अम्मा हाँ, एक चीज तो मिशाली को हमने काम लगाया, जाके टीवी देखे ताकि हम लोग जो है ना बात कर सकें। मैंने ये भी पूछा था कि शिजाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, फर्स्ट टाइम बेकिंग का या पहले। मैं अपना बल्कि बताती हूँ, मुझे तो बहुत मजा आया कि मैंने आराम से बैठ के खाने का वेट किया और खाना खाया। ऑल दो पहले भी शिजाद वो बीन्स वगैरह बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन मैं चूंकि हर वक्त घर पे होती हूँ, शिजाद ऑफिस में होते थे तो इतना ज्यादा नहीं कर पाते थे, और अब जब वो होते ही घर पे हैं तो मैं अपने काम उनके होते हैं, प्लस मैं उन्हें कहती हूँ आप मिशी को देख लें और मैं जल्दी निपटा लूँ, तो मैं किचन में ऑलमोस्ट आने ही नहीं दे रही होती। तो आज एक मुझे बहुत अच्छा लगा। मुंह में सारा पिज्जा लगा हुआ। बहुत मजा आया, ऑनेस्टली जो है वाकई बहुत मजा आया और एंजॉय किया खूब। आई सिंपली लव फैमिली टाइम है ना, एवरी पार्ट ऑफ इट। हां, और मजे की बात ये है, चलो ये तो हमने एक एक्टिविटी की थी ना 400K सब्सक्राइबर्स के ऊपर जहां, लेकिन ऑनेस्टली कभी आप अपनी फैमिली में ये चीज प्रैक्टिस करें आपको बड़ा मजा आएगा। क्योंकि ये एक फन फिल्ड एक्टिविटी थी, सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हैं, कोई इधर ये कर रहा है, कोई उधर वो कर रहा है, कोई इस तरह से, कोई इस तरह से, यू विल लव इट। और एक एक चीज जो है ना बिल्कुल ऐसे जैसे अगर ये पिज्जा बनाया बेसिकली प्यार से भरा हुआ, बिल्कुल हाँ, हम सब बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल इस तरह है, यकीन करें बहुत एंजॉय किया। और ऐसे हम लोग पहले बहुत किया करते थे जब ये जॉब पे जाते थे ना, तो वीकेंड हमारे लिए बहुत फिर स्पेशल होते थे कि पूरे वीक के बाद अब छुट्टी आई है और शिजाद होते हम ही घर पे हैं, तो हम लोग जो ब्रेकफास्ट बनाते थे ना उसमें इस तरह किचन में इकट्ठे होके बनाते थे। फिर हम इधर आ गए, जो शारजा वाला घर है वो किचन इतना छोटा था कि उसमें जो है ना इस तरह हम इंजॉय करके इधर फिर रहे, कोई उधर फिर रहे, वो कुकिंग नहीं हो पाई है। हमने कोशिश बहुत की है और हम पता है उस मॉर्निंग के टाइम को मिस करते थे जिसमें मैं और आप इकट्ठे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते थे। सदियों के बाद जाके इधर एक्टिविटी की हमने, इट वाज वर्थ इट, यस एवरी मिनट वाज वर्थ इट, बहुत मजा आया ऑनेस्टली। हालांकि थक गए हाँ, लेकिन मैं बहुत मजा आया इस बार, थैंक यू, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि यार यू विल लव इट, यू विल एंजॉय द एक्टिविटी। ठीक है, खाना है जो बनता है रोज, लेकिन मिलके अगर करेंगे ना उसको एक फन एक्टिविटी करके जो है, तो वाकई मजा आ जाएगा कि एक फैमिली गेट टुगेदर हो गया, बड़ा मजे का जो है, छुट्टी वाले दिन भी जो है। तो ट्राई कीजिए आप भी जो है, और फिर बताइए कि आपको कैसा लगा, आपने कौन सी डिश ट्राई की आपस में फैमिली के साथ जो है। ठीक है, चले मिलते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।